जीन पॉल हाई स्कूल धनुपरा आरा में सीबीएसई द्वारा शिक्षकों के लिए क्षमता संवर्धन की कार्यशाला संपन्न हुई। इस कार्यक्रम का उद्घाटन सीबीएसई के रिसोर्स पर्सन श्री मधुकर झा माउंट लेटरा जी स्कूल बेहटा, निर्देशिका श्रीमती डॉक्टर मधु सिन्हा, जीन पॉल हाई स्कूल आरा, श्री शंभू रात मिश्र प्रचारित जीन पॉल हाई स्कूल आरा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। आगत अतिथियों को पर्यावरण संरक्षण से जुड़े पौधे प्रदान कर सम्मानित किया गया। स्कूल की छात्राओं शुरभि, शोभा, श्रेया, रितिका, कल्याण, अर्पिता, नैना एवं रिया ने शोषित वाचन एवं स्वागत किया। इस प्रशिक्षण शिविर में रिसोर्स पर्सन श्री मधुकर झा हैं। बच्चों के विषय संपन्न ही कर्ण की चर्चा करते हुए नवीकरण संरक्षण मूल्यांकन पर जोर दिया। आभार प्रकट करते हैं, सभी ने बहुत ही अच्छा सहयोग किया है। सारे विद्यालयों के प्रति मैं दिल से आभार प्रकट करता हूं और इस कार्यक्रम के विधिवत संचालन के लिए मैं अपने दोनों रिसोर्स पर्सन से आग्रह करता हूं कि आप दो शब्द इनको संबोधित करें और इस वर्कशॉप के संचालन की जिम्मेवारी सर आपको प्लीज। These plants as a token of love in the form of bouquet. This is a wonderful gesture from the school management and it's very rare to see because generally such gestures can be found only on 5th of June when we celebrate the Earth Day. But while coming to the school, I noticed three different things. Number one, the school is also a place where we see the gestures around. So this is a wonderful school which is situated in a peaceful environment of green environment and this is आज हमारे विद्यालय में सीबीएसई के द्वारा रीमॉडल्ड स्ट्रक्चर ऑफ
एग्जाम बाय CBSE बायलॉज टीचर्स ट्रेनिंग फॉर द एग्जाम प्रिपरेशन कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम, ये आज के वर्कशॉप का सब्जेक्ट है, जिससे टीचर को पहले हम ट्रेन करते हैं कि वो किस तरह से बच्चों के कैपेसिटी को बिल्डअप करेंगे। तो नेचुरल है कि अभी CBSE के द्वारा बहुत सारे सिलेबस में चेंजेज वगैरह आएंगे और इवेल्युएशन जो प्रोसेस है उसमें भी बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं, तो उसके बारे में हमारे यहाँ CBSE से दो रिसोर्स पर्सन आए हैं, दो स्कूल के प्रिंसिपल हैं, मुखर्जी मैडम हैं और मधुकर सर हैं, ये दोनों बड़े ही अनुभवी कोऑर्डिनेटर हैं CBSE के, तो उनको यहाँ CBSE ने भेजा है। आप ही के स्कूल के सर शिक्षकों का ये कार्यक्रम या बाहरी शिक्षक, इसमें विभिन्न विद्यालयों के भोजपुर के में आज हमको ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि भोजपुर में 24 स्कूल्स CBSE से एफिलिएटेड हो चुके हैं, तो उन सारे स्कूल के टीचर यहाँ इस वर्कशॉप में शामिल हुए हैं। DAV माउंट लिटरा, ज्ञान ज्योति, संभावना, BD पब्लिक, STHB, MDZ, दिव्य भास्कर स्कूल, लगभग सारे भोजपुर के जो क्रिएटेड स्कूल हैं वो आज यहाँ इस वर्कशॉप में ट्रेनिंग ले रहे हैं, और ये बहुत अच्छा रहेगा आगे के, क्योंकि एग्ज़ाम का प्रोसेस अब शुरू हो रहा है, 9th 11th का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, 10th का फॉर्म LOC फिलअप हो रहा है, उसमें बहुत सारा परिवर्तन जो हुआ है, जैसे फिजिकल एजुकेशन को ये मैंडेटरी बना दिया गया है, तो सारे विद्यालय को ये पता चल जाएगा आज कि किस तरह से किस प्रोसेस से इसको हमको करना है अपने स्कूल में, और ये बहुत फ़ायदेमंद रहेगा हमारे भोजपुर के स्कूलों के लिए। मैं विशेष रूप से अपने डायरेक्टर मैडम को धन्यवाद देना चाहता हूँ, इससे उन्होंने इस वर्कशॉप को यहाँ ऑर्गेनाइज करने के लिए हम लोगों का काफ़ी सहयोग किया। फिर से बताऊँ जी, शंभुनाथ मिश्र।